फ्रेजल आउट सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से आपके बीच में आने का एक मौका दिया है। तो खुदावंद खुदा के नाम की स्तुति हो कि आप लोग मेरे चैनल को काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सच्चाई को मैं इस चैनल के द्वारा फैलाऊं और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु मुझे भी इस्तेमाल करे सेवकाई में और प्रभु मुझे अपने साथ साथ लेकर चले। मेरी मन की इच्छा है कि मैं प्रभु के साथ चलता रहूं और प्रभु मेरे साथ चले। तो प्यारे अजीजो, आज मेरा विषय है जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हर एक विश्वासी के लिए सिद्ध होने का उपदेश स्पष्ट रीति से वचन में दिया गया है, लेकिन फिर भी कलीसिया को गुमराह करने के लिए बहुत से सेवक, प्रचारक और उपदेशक के तौर पर कलीसिया में घुस आए हैं। प्रथम शताब्दी में भी इसी प्रकार बहुत से प्रचारक और उपदेशक कलीसिया में घुस आए थे। इस कारण प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, तो जहाँ कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। दूसरा करिन्थियों 11 अध्याय उसका 2-4 में हमने ये वचन पढ़ा, ऐसा ही आप भी अपना बाइबल खोल के देख सकते हैं, ऐसा ही लिखा है। बहुत से प्रचारक अपनी चतुराई से विश्वासियों के मन को मसीह के साथ की सिद्धाई और पवित्रता से हटाकर शारीरिक आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है, एक चलाकी है। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वह सब दंड पाए। दूसरा तसलुनीको 2 अध्याय उसका 7-10 तक हमने ये पढ़ा। आजकल अधिकतर लोग शारीरिक चंगियाई और अद्भुत कामों के पीछे भागते हैं। आपने देखा होगा आज बहुत सारे चर्च, बहुत सारे, कितनी दुनिया, कितनी भीड़ जमा है। तो प्रचारकों का ये विचार है कि शारीरिक चंगियाई और अद्भुत कामों के द्वारा वे लोगों को उद्धार के मार्ग में से ला सकते हैं। ये विचार शैतान की उन प्रचारकों के मन में डाली हुई एक युक्ति है। पहली शताब्दी में पतरस, स्तिफनुस और पौलुस ने यीशु मसीह की चंगाई देने का प्रचार नहीं किया। आपने बाइबल पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, कभी भी इन्होंने इतना चंगाई सभी के ऊपर प्रचार नहीं किया। उन्होंने केवल सुनने वालों के पाप के विषय में ही प्रचार किया जिसको उनका विवेक सिद्ध गया।
और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे, और यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया और उनको नया जन्म लेकर अनंत जीवन पाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु उनके साथ रहकर चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। मरकुस 16:20 में यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ करते समय अद्भुत कामों के द्वारा सेवकाई आरंभ की, लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद अद्भुत काम करना छोड़ दिया। जब प्रभु अद्भुत काम करते थे तब भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लेकिन जब यीशु ने अद्भुत कार्य करना छोड़ दिया और परमेश्वर का गहरा वचन सिखाना आरंभ किया, तब उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन बाहरों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पत्रस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यूहन्ना 6:66 उसका 66 से लेकर 68 तक ऐसा लिखा है। जब प्रभु यीशु प्रचार करते थे तो काफ़ी लोग उल्टे चले गए। तो मेरे प्यारे अजीजो, पत्रस से भी प्रभु यीशु ने बोला, तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पत्रस क्या बोलता, कहता जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो प्रचारक शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में प्रचार करके मनुष्य के मन को उकसा सकते हैं। अद्भुत कामों के द्वारा मनुष्य के मन के अंदर की भावनाओं को उत्साहित कर सकते हैं। तब लोग रोते रोते अपने दुख और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए आगे आएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार नहीं होता, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। समझ आ रहा है आपको? ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है, यकूब 2:19 उसके 19 वचन में। किसी व्यक्ति को उधार पाना है तो यीशु मसीह ही परमेश्वर करके पूर्ण विश्वास करना, विश्वास होना है, तथा अपने पाप से भरे जीवन को स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से पश्चाताप करके रोना है। तब प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करता है और पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर उसके अंदर आता है। पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करना पर्याप्त है, लेकिन अनंत जीवन मोल लेना है। हम ऐसा पढ़ते हैं यशायाह 55:1 उसके 1 वचन में ऐसा लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ, दाखमधु और दूध बिना रुपए बिना दाम ही आकर ले लो। आपने ऐसा सुना है वचन में। इस वचन के अनुसार अनंत जीवन सबके लिए दिया गया है, लेकिन हर एक व्यक्ति आकर उसको मोल ले ले। रुपया देने से अनंत जीवन नहीं मिल सकता। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। मत्ती 13:44 में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मत्ती 13:45 उसका 45 और 46 वचन। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आए हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मत्ती 19:16-22 तक उधार पाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं को पूर्ण रीति से अर्पण करें। लेकिन बहुत सारे प्रचारक अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए लोगों को चंगाई और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करके मांगने के लिए उकसाते हैं। ये भी भारी धोखा है। लाखों लाख की संख्या में लोग इस धोखे में फंसकर यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु के नाम पर शारीरिक चंगाई और शारीरिक आशीषों को पाने के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु के नाम पर चंगाई मिलने के कारण वह ये सोचते हैं कि उनको उधार मिल गया। ऐसे लोगों की भावनाओं को उभारते हुए जो अद्भुत काम करता है वह असली यीशु नहीं, बल्कि धोखा देने वाला शैतान यीशु का रूप लेकर लोगों को गुमराह करता है।
उनके मध्य में जो आत्मा कार्य करता है और अन्य अन्य भाषा बोलता है, भविष्यवाणियां करता है, वह आत्मा असली आत्मा नहीं है। और कष्ट के मार्ग को छोड़कर आसान मार्ग में चलने का उपदेश भी असली सुसमाचार या उपदेशक नहीं है। इसलिए दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार के विषय में प्रेरित पौलुस कहता है, अधर्म को भेद अब भी कार्य करता है और वो शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होता है। दूसरा तसलोनिको 2:8-10 तक। फिर प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा आत्मा है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु हम जा स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। गलाती 16:9। इसलिए अद्भुत काम करने वाले प्रचारकों के बारे में प्रभु यूं कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग कर राज्य के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:21-23 तक। आजकल आश्चर्य कामों को देखने के लिए बहुत लोग निकल आए हैं। सभी धर्मों के निमित्त आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। भीड़ की भीड़ आश्चर्य कामों के पीछे भाग रही है। इन आश्चर्य कामों के द्वारा बहुत से लोग धोखे में आकर सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर के दिव्य वचन के अनुसार उद्धार के मार्ग में चलना है और अपने पाप से भरे हुए जीवन को स्मरण करते पश्चाताप करना है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होते रहना है। तब उसमें एक आत्मिक मनुष्य उत्पन्न होगा। जब हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है तभी हमारा मेल परमेश्वर से होता है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, परमेश्वर अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में वैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर वैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला। इफिसियों 2:12-16 तक। तो प्रभु इनको इन वचनों के द्वारा बहुत आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए।